लेडीज एंड जेंटलमैन मॉड्यूल 195 इज अ बिजनेस मॉडल्स जब तक कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसके अंदर एक फंक्शनल मॉडल नहीं देंगे याद रखिए कि एंटरप्रेन्योर्स भी रफ स्केच के तौर पर अगर आपने एक प्रोपराइटरशिप ले ली है आप एक छोटी दुकान बना रहे हैं और एक मैंने एक बड़ी मुबहम किस्म की एक फजूल सी गुफ्तु सुनी कि आपके पास जब तक कुछ बेचने के लिए नहीं है तो आप यूट्यूब पर बोलना शुरू कर दीजिए खुदारा ऐसा ना कीजिए आप क्या बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस बोलेंगे अब लोगों के साथ वक्त ज़ाया करेंगे जब तक आपने प्रैक्टिकल चीज़ नहीं की ना आप लिखें ना बोलें मेहरबानी कीजिए ना आप गलत तरफ से डायरेक्शन दीजिए आप सिर्फ मोनीटाइजेशन के लिए आप फजूल फजूल चीज़ें बोल देते हैं और आप वो बोल कर के जो मोनीटाइजेशन लेते हैं ये गलत डायरेक्शन है मैं आज बोल रहा हूँ आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे आपको भुगतना पड़ेंगे वो लोग जो मोनेटाइजेशन इससे ले रहे हैं तो ये सिर्फ गुफ्तु से नहीं होती आपने जब तक कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर दी एक मॉडल नहीं बनाया फॉर्म नहीं बनाया आपने डेवलप नहीं कर लिया उसके रिजल्ट नहीं आए आउटकम नहीं आए तब तक आप प्लीज़ खुदा रहा अपनी कोई चीज़ शेयर करके जस्ट फॉर द डिस्कशन आप अपनी चीज़ें अपलोड मत करें अपनी नॉनसेंस को सेंस देने की कोशिश ना करें लेकिन हो ये रहा है कि नॉन सेंस पकड़ रहा है और वो सेंस जो है वो नॉन सेंस एचिट्यूड पैदा कर रही है सो प्लीज इसको रोकिए आगे हम देखते हैं कि देर इज द द फोर ऑफ बिजनेस मॉडल वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू नेटवर्क वैल्यू हाउ वी कैन क्रिएट द वैल्यू क्रिएशन देन वैल्यू प्रोपोजिशन हाउ कैन वी कैप्चर द वैल्यू दिस इज द बिजनेस मॉडल देखें एक तो क्रिएशन हो गई फिर प्रोपोजिशन हो गई कुड भी वन कुड भी टू कु थ्री प्रोपोजिटरी मॉडल के अंदर आप देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट द वैल्यू अंडर द सर्कमस्टांसिस अंडर द फॉर एग्जाम्पल हम फार्मास्यूटिकल में देखते हैं हम कैसे उसके अंदर प्रोपोजिशंस ले सकते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आते हैं हम मैनुफेक्चरिंग को बढ़ाते हैं हम इंटल uh, मॉडल को लेकर आते हैं हम गाड़ियों की मैनुफेक्चरिंग यहाँ ज़्यादा शुरू करते हैं हम टेबल्स वगैरह बनाना शुरू कर हम आइक्या को यहाँ लेकर आ जाते हैं सो एंड सो फोर्थ हम वैल्यू क्रिएशन की तरफ सोचना शुरू करते हैं कि हमारे कौन से बिज़नेस मॉडल वर्केबल सोल्यूशन की तरफ आएंगे टेक्सटाइल में हम अगर अच्छे हैं तो हम कितना ज़्यादा मज़दीद बेहतरी कर सकते हैं हम पल्स और एग्रीकल्चर के अंदर मज़ीद कितनी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं हम मॉडल्स को चेक करते हैं कि फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द जी डी पी जो है वो साउथ अफ्रीका का फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर है तो हम पाकिस्तान के अंदर क्या इसके ऊपर इजाफा कर सकते हैं हम मिनरल्स एंड माइन के ऊपर कितना कर सकते हैं हम फोकस एरिया के साथ कितना बेहतर कर सकते हैं हम क्या ऐसी चीज जो हमारे बने हैं या या स्टेट ओड इंटरप्राइज के साथ शुरू करते करते हम थोड़ा डायरेक्शनल हो जाएंगे क्योंकि मॉडल गवर्नमेंट की तरफ से आए और आप बिज़नेस शुरू कर दीजिए या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको बिजनेस बना के दे दे आपको ऑर्गेनाइजेशन बना के दे दे आपको इंडस्ट्री लगा के दे दे एंड देन आप ऑपरेशनलाइज कर दें सो इट कुड बी द वर्बल मॉडल एक ज़माने में हुआ करता था नाइनटीन तक ये बड़ा इफेक्टिव मॉडल चला और बहुत ही अच्छा था उसके बाद इदारा जाती निजाम ने इसको खा गए and red, red tapism, red tapism इन इन चीजों चीजों को को खा इन सब को खा गई गई सब आर योर कस्टमर एंड दे वैल्यू टारगेट कस्टमर और सोलूशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा सवाल आएगा जी वेट इज द इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ दिटर्न रेवेन्यू एंड द कॉस्ट आर्टेक्चर देन इज द फाइनेंसिंग वट इज द रोल ऑफ द वैल्यू नेटवर्क पैटर्न एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज ये दो चीजें आपके पास आएंगी सो ये चार सवाल के बाद आपके जो पूरा मॉडल है इन चार सवालत पर बेस करेगा और जब आपको कंफिग्रेशन मिल जाएगी लॉजिक मिल जाएगा और आपको वैल्यू नेटवर्क पता चल जाएंगे तो पहला सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कि हु आर योर कस्टमर्स and how can they get the value out of you so it is can it cannot be workable without a perfect 4v of models thank you very much